शादी है, ब्यूटीफुल किचन. थैंक यू. माशाल्लाह. थैंक यू. सो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. अच्छा लगता है, वाइड लुक आती है और बड़ा भी लगता है. बड़ा भी लगता है. एग्जैक्टली. तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही रेनोवेट हुआ है तो फिर वाइट ही करवाया. शौक था कि वाइट होना चाहिए. वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू. चलिए आप स्टार्ट करें. बिल्कुल. बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाह. जी जनाब, शादियाँ बना रही हैं खुदना. आप भी बनाती होंगी, आपकी भी स्पेशलिटी होगी. तो मैं बनाती हूँ, लेकिन हर एक की शादियाँ रेसिपी अलग होती है, डिफरेंट होती है, और हर एक के हाथ का मज़ा अलग होता है. हाँ, ये तो सही कहा है आपने. तो अभी आपने इतने घरों से खाए हैं, तो आपने सब घरों से खा के खूब इंजॉय किया होगा. हाँ, एक कप घी होगा ना. जी जी, ये एक कप हमने डाला है, कह लें कि बनस्पति घी डाला है. जी जी. और इसके अंदर हम डालेंगे 1 small onion स्लाइस कटिंग हुई हुई है इसकी. हमने कोई वो नहीं किया करना, इसको काफ़ी सारे अनियन के साथ इतना मीठा नहीं बनाना. ठीक. तो सिर्फ 1 onion डलेगा और स्मॉल साइज में डलेगा. ठीक. 1 onion स्लाइस डाल जी. और इसके अंदर 1 cup हमने बनस्पति घी डाला है. ठीक है. और सादिया, इसको आप ब्राउन करेंगे प्याज को? ब्राउन ज़्यादा नहीं करेंगे, पिंक करेंगे. ठीक. लाइट पिंक करेंगे ताकि ये हल्का सा सिर्फ अपना कलर चेंज करे. और जैसे ही कलर चेंज करेगा हम इसके अंदर मटन ऐड कर देंगे. ठीक. आपके वहाँ गैस का इशू है? नहीं, यहाँ पे आइसक्रीम में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है. लोग कहते हैं कि गैस की प्रॉब्लम आती है, तो आइसक्रीम में अल्लाह का शुक्र है पानी की, बिजली की, गैस की इतना इशू नहीं आता. लाइट जाती है होल डे में 2 hours के लिए, 1 different hours में चली जाती है. अदरवाइज गैस जाएगी तो रात में, जब आप खाने से फारिग हो जाएंगे, और सुबह आ जाती है जल्दी. बस जो 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 लोग रात में उठ उठ के खाने की आदी है, उनकी छुट्टी हो गई है. वो खुद भी खाने की आदी होते हैं, तंग भी करते हैं ना. हाँ, फिर जो घर वाले होते हैं, किचन भी गंदा रहता है. सही. और आपने तो जब इधर स्टे करते हैं, तो आप लोग डे में लाहौरी जो नाचते हैं और वो जो अंदरून सिटी के, वेलर सिटी के खाने, वो ट्राई किए आपने? नहीं, नहीं किए, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कब जाएं, टाइम ही नहीं है. हालांकि मुझे यहाँ, अच्छा आप मुझे बताओ सादिया, यहाँ नाचते असल जो है अंदरूनी सिटी का, वो क्या है? मुरछोले. मुरछोले मुरछोले खाए जाते हैं, पूरी चने खाए जाते हैं. ये नाश्ते हैं, पूरी चने या पाए और निहारी खाई जाती है. अच्छा, निहारी इधर मिलती है लाहौर में? अच्छी. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी मिलती है. और आपको अंदरून लाहौर ही जाना पड़ता है इसके लिए, ज़्यादा अच्छी वेराइटी वहीं पर मिलती है. वो अब ये कि जो लोग ज्यादा ये चीजें खाने के शौकीन है ना, वो आई लव लाहौर का जो हरीसा होता है. हरीसा वो आपने फाइका की तरफ खाया? हाँ, लेकिन फाइका ने उसमें पालक नहीं डाली थी. पालक ही डाली, पालक के बगैर तो नहीं बनता. हाँ, वही ना, पालक ऊपर से तड़के में डालते हैं ना. अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उसकी रेसिपी हो सकती है. हाँ, जो हाँ, हाँ जी, वो भी अच्छा बनाती है. अच्छा, जो हरीसा है बेसिकली जो कश्मीरी है ना, वो ज्यादा अच्छा बनाते हैं हरीसा. कश्मीरियों के हाथ पे सेट होता है ये. उसके अंदर पालक की एडिशन होती है, और वो छोटे जो बीफ के कबाब डलते हैं उसकी एडिशन होती है. अच्छा, अनियन हमारे आपा आप कलर चेंज कर रहे हैं, लाइट पिंक की तरफ आ रहे हैं. तो उसके अंदर हमने 1 kg ये हमने कटिंग ली है उसकी. या आप उसकी शोल्डर की कटिंग ले लें, या आपकी लेग की कटिंग ले लें, आपको 1 kg चाहिए. और इसके अंदर हमें कहा जाता है मिक्स वाली बोटी, हमने वो ऐड करनी होती है. वो इसमें जरूर, उसका टेस्ट इसी से बनेगा. ठीक. ये 1 kg में मटन ऐड कर रही है. अब बड़े पीसेस हैं जी, बड़े पीसेस लेने, छोटे नहीं लेने हैं. और जैसे ही मटन का थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तो फिर बाकी चीजें हम ऐड करेंगे. जो हम कुन्ना बनाते हैं, उसकी शान ही इस मिक वाली बोटी के साथ आती है. उसका टेस्ट ही उसी से बनता है, क्योंकि इसने हल्की आंच के ऊपर 2.5 से 3 घंटे पकना है, तो फिर इसका टेस्ट भी तो निकलेगा ना वो पूरा. और आपने इसमें पुट भी डाला है? जी, इसके अंदर वो नहीं, पुट का पीस नहीं डाला. अच्छा, सिर्फ या शोल्डर का लेंगे या लेग का लेंगे, पुट वाला पीस नहीं चाहिए हमें. हाँ जी, या आप रान वाला लेंगे या शोल्डर का. और बोटी के पीसेस भी आपने थोड़े बड़े साइज के लिए, मतलब 100 grams की एक साइज होना चाहिए. अच्छा, बोटी का. हाँ जी, अपने ये वाले हमने डालने हैं 1.5 teaspoon, और या आपका जो भी टेस्ट हो, सॉल्ट. ठीक है. और 1 teaspoon हमारा डलेगा सूखा धनिया. ओके. और 1.5 teaspoon हम डाल रहे हैं हल्दी. और सुरख मिर्च डाल रहे हैं 2 teaspoon. ठीक है. उसको जो सुरख मिर्च है उसको थोड़ा सा तेज इसलिए रखेंगे कि हमने इसके अंदर ये वन डालना है, ये आटा गुदा हुआ, इसका एक बॉल बना के वो ये सोक कर लेता है. ठीक. तो इसलिए हमें इसको मिर्चों को थोड़ा सा तेज रखेंगे. और नमक तो हम बाद में भी टेस्ट करके चेक सकते हैं कि कम हो गया तो और डाल सकते हैं. एंड जिंजर गार्लिक.
ये वन एंड हाफ टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक जी, जिंजर डाल दें। हाँ जी, अब हम डाल देंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक की पेस्ट। और जो कुन्ना बनाते हैं, कुन्ने का स्पेशल मसाला एक होता है जिससे इसका टेस्ट बनना होता है, स्पेशल मसाले में डलती है ये चीजें। अच्छा, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी है साबुत, मैंने इनको पीस के भी रखा हुआ है। ये पिसी भी फॉर्म में जाएगा, ये वाली सारी चीजें जाएंगी। 1 टीस्पून जाएगी सौंफ, 1 टीस्पून ब्लैक जीरा, शाही जीरा जिसे बोलते हैं, और 2 बड़ी इलायची और 6 छोटी इलायची, ठीक है। 1 टीस्पून हमारी ब्लैक पेपर, काली मिर्च है, 3 से 4 ये हम लॉन्ग स्टिक्स ले लेंगे, और ये दालचीनी के 2 या 3 टुकड़े लेंगे, और ये जावित्री लेंगे, ठीक है, जायफल, जावित्री, उन सारी चीजों को लेके आपने सबको पीस लेना। और ये पूरा जाएगा जी? ये नहीं पूरा नहीं जाएगा। अच्छा, ये जाएगा, थोड़ा जाएगा, ये तो हमने इस क्वांटिटी में पीस लिया, और उसके साथ हम ये सर्विंग में बाकी रखेंगे, जिसे चाहिए वो ऊपर स्प्रिंकल करके बाद में खा ले। तो ये पिसा हुआ इसका पड़ा हुआ है, इसमें से हम 1/2 टीस्पून डालेंगे पकते में, और 1/2 टीस्पून सर्विंग में स्प्रिंकल में डालेंगे। यूज हमने सिर्फ इसको 1 टीस्पून ही करना है। अच्छा, अब ये इसमें मटन ने हमारे कलर चेंज किया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये अपने मसाले। जबरदस्त मसाला है, हाँ, स्मेल सो गुड, तो टेस्ट आ जाता है ना उसकी वजह से इसमें। वेरी नाइस। ये क्या आपने डाला? ये पहले सॉल्ट डाला, फिर मैंने डाल दिया सूखा धनिया, सॉल्ट मैंने डाला 1.5 टीस्पून, और सूखा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून, ठीक है, और सूरत मिर्च डाल रहे हैं 2 टीस्पून, ठीक है। आंच को थोड़ा सा नॉर्मल कर ले ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, अब हम इसके अंदर योगर्ट डाल रहे हैं, 1 कप पूरा योगर्ट जा रही है। ये मसाला इसके साथ थोड़ा सा बनेगा, इसमें टमाटर वगैरह ऐड नहीं होते, अनियन भी हमने एक ही लिया, और अब इसके अंदर योगर चलेगी। टमाटर से इसका टेस्ट फर्क हो जाएगा, वो फिर कढ़ाई या वो कोने की तरफ चला जाता है, तो हमने इसको वो टेस्ट नहीं देना। योगर्ट को डाल के हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी वो फॉर्म बन जाए। थोड़ा सा भूनेगा, जैसे ये ऑयल ऊपर आना शुरू होगा, तो इसके अंदर हमने डालना है ये 1, हमने इसका पहले से ही पेड़ा हमारे पास है गूंधे हुए आटे का, हमने सूखा आटा नहीं डालना। नॉर्मली बहुत सारे लोग इसमें सूखा आटा डालते हैं, सूखा नहीं डालेंगे हम इसके अंदर गूंधे हुए आटे का। ये भी 100 ग्राम। What is the difference, सादिया? सूखा आटा डालने से आटा वो बन जाता है जैसे आप कॉर्नफ्लोर से ऐड करते हैं, वो सूप वाली शेप देता है, हमने सूप वाली कंसिस्टेंसी नहीं देनी है। अच्छा, तो हमने इसकी लाइट लाइट देनी है, ना ये शोरबा फील होगा ना ये गाढ़ा सूप वाली लिक्विड में आएगा। अच्छा, तो हमने सेंटर वाला लिक्विड इसका रखना है जिससे ये थोड़ा 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 करके हल्की आँच पे घुलता जाएगा, तो वो इसकी रेशो बड़ी अच्छी सी एक स्मूथ। तो ये जब ये पूरा घुल जाएगा? कभी कभी घुल जाता है और कभी कभी ये रह भी जाता है, अगर ये इसके पकने पे डिपेंड करता है कि ये कितनी आंच पे आपने रखा है। तो अगर बच जाता है, अगर ये आपका बच गया, तो आपने सर्व करने से पहले देखना, फिर इसको डिस्कार्ड करना। ओके, फिर ये आपके ये किसी काम का नहीं रहता। ओके, क्योंकि इसने हल्का हल्का वो मिक्स हो गया है, आटा इसमें से सोक होता 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 आपके शोरबे में मिक्स हो गया। ये हम इसमें पानी डाल देंगे इतना कि ये हल्की आंच पे पकता भी रहेगा और ड्राई भी नहीं होगा। पानी हमारा इतना होना चाहिए कि इसके अंदर पूरा का पूरा आपका मीट पार्ट इसके अंदर पूरा डिप हो जाए। ठीक, बस इसके अंदर हमने आटे का पेड़ा इसलिए डाला है ताकि ये थोड़ा 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 करके घुलेगा और इसके जो गाढ़ापन है वो इसकी वजह से आ जाएगा। अब आपने इसको कवर करके रख देना लिड को, और ये कम से कम 2.5 से 3 घंटे हल्की आँच पे पकेगा। ठीक है, और आंच का भी देख लीजिएगा, ये बड़ी मीडियम होगी। हाँ जी, मीडियम होगी, हमने इसको जल्दी नहीं रखना ताकि ये हल्की आंच पे पकने से इसका पूरा का पूरा बिल्कुल अरोमा अपना क्रिएट करेगा।